तो चलिए जन, आज आपको एक बार फिर से हम जॉब रोजगार मेला आपके लिए लेके आए, जो कि नाइलेट के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। अभी मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड की थी, अगर वो आपने नहीं देखी है तो जाके देख लीजिएगा। ये है आपके लिए अवेलेबल है, जो कि यूपी वाले बच्चों के लिए, जो बच्चे यूपी में रहते हैं उनके लिए भी है, और ऑल इंडिया से आप कहीं भी रहते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं ऑल इंडिया से। लेकिन जो इसमें लोकेशन दी गई है वो यूपी की है, ठीक है? तो इसको अप्लाई करें। आज की जो वीडियो हम बताने वाले हैं वो नाइलेट दिल्ली की लोकेशन है, यानी कि दिल्ली में आपका जो है, आपका न्यू दिल्ली में ये आपका लोकेशन इसको दिया गया है। तो न्यू दिल्ली में जो रहते हैं या यूपी के जो बच्चे हैं दिल्ली जा सकते हैं, या हरियाणा के हैं आपके, या अदर किसी स्टेट से भी, अगर आप दिल्ली आ सकते हैं इस रोज़गार मेला के लिए। अगर आप ओ लेवल कहीं से भी कर रहे हैं तो इसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करिए। और क्या क्या होता है मैं इस वीडियो में कंप्लीट आपको बताऊँगा, सारा प्रोसीजर स्टेप बाई स्टेप, क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने, क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, कैसे आपको रिज्यूमे अपना तैयार करना है। तो इसको प्रिपेयर करके जाइए, ये मत सोच के जाइए कि हमारा खाली हम टाइम पास करने के लिए जा रहे हैं। अगर आप इस मकसद से जाएंगे तो आपका सिलेक्शन कभी नहीं होगा। हमेशा प्रिपेयर होकर जाएं, हमेशा मन में ये लेके जाएं कि हाँ हमको जॉब करनी है, ठीक है? क्योंकि सर्टिफिकेट अगर आप रखे रहेंगे तो आपके पास जॉब घर पे नहीं आएगी, आप घर में ऑनलाइन जॉब अप्लाई करेंगे रिप्लाई नहीं आएगा। इसी प्रकार के कैंप आपको प्रोवाइड किए जाते हैं नाइलेट के माध्यम से, जो आपको जॉब दिला सकते हैं, ठीक है? तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आपसे अनुरोध है, लाइक ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक वीडियो पहुँचे और उनकी हेल्प हो सके। अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा सकते हैं, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जहाँ भी आप चाहे वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, जो कि रोज़गार मेला कुछ इस प्रकार से है, मैं आपको दिखाता हूँ। न्यू दिल्ली में आपका ये है जॉब रोज़गार मेला 2024, जो कि 29 सितंबर को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, ठीक है? वेलकम टू योर गेटवे टू फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है? अब इसमें देखिए ऑर्गेनाइजर्स कौन है, इसमें ऑर्गेनाइजेशन आपके हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिल्ली सेंटर। जो आपका दिल्ली सेंटर है वही इसके ऑर्गेनाइजर हैं, जो कि ये आपका रोज़गार मेला करवा रहे हैं, ठीक है? और इसमें देखिए यहाँ पे लिंक आपको दिखाई दे रहा है अप्लाई हेयर, तो ये यहाँ पे एक फॉर्म दिया गया है, इस लिंक से आप इसको ओपन कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर इसमें बार कोड दिखाई दे रहा है इसको स्कैन कर सकते हैं, वरना इस फॉर्म का लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, आप वहाँ से क्लिक करके भी डायरेक्ट ओपन करके इसको फिलअप कर सकते हैं। तो देखिए इसमें कौन कौन सी कंपनीज जो इन्वॉल्व हो रही हैं, पहले वो देख लेते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, हम आपको अच्छे से डिटेल में समझाएंगे कैसे आपको प्रिपरेशन करके जानी है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे वेन्यू, इसका नोट कर लीजिए कहाँ पे आपको जाना है और कब जाना है। 29 सितंबर को आपको जाना है, किस एड्रेस पे, ये आपका दिया गया है नाइलेट दिल्ली सेंटर, आई ई टी ई बिल्डिंग, इंडस्ट्रियल एरिया 16/1-2, पंखा रोड, नियर सगरपुर पुलिस स्टेशन, जनकपुरी, न्यू दिल्ली। आपको यहाँ पे पहुँचना है, ठीक है? ये कुछ हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं नाइलेट के, आप इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं अगर आप लाइव लोकेशन लेना चाहते हैं, या फिर कोई जानकारी लेना चाहते हैं डॉक्यूमेंट संबंधित या कंपनी से संबंधित, आप इस पर मैसेज कर सकते हैं। अगर आप नीचे देखें तो यहाँ पे कुछ कंपनीज़ भी ऐड की गई हैं, जो कि इसके कोई स्पॉन्सरशिप आप कह सकते हैं, या ये कंपनीज जो हैं इसमें पार्टिसिपेट करने वाली, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है पेटीएम है, ठीक है, कॉस्मोस है, आपकी एक्सेस हेल्थ केयर है, हाइक एजुकेशन है, फ्रैंकलिन जो आपकी कंपनी काफ़ी है, टेक महिंद्रा है, HERD है, द पावर ऑफ इनोवेशन, आपका इबिक्स कैश जो आप देखते हैं टीवी न्यूज़ में, सिंधी, ठीक है, और ये मेरे को नहीं पता कौन सी कंपनी है, लेकिन ये भी इसमें अवेलेबल है। तो करीब 8-10 कंपनियां आपको दिखाई दे रही हैं, जो कि हो सकता है ये वहाँ पे पार्टिसिपेट करें, इनके कैंप वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, कैंप लगे होते हैं, ठीक है? इस प्रकार से आप देख सकते हैं कॉर्नर में इस प्रकार से कैंप होते हैं सबके, अलग अलग कैंप 1, कैंप 2, कैंप 3, आप यहाँ से आएंगे और यहाँ पर इंटरव्यू देते जाएंगे, ऐसे आपका सिस्टम रहता है, ठीक है? तो ये है, आप नोट कर लीजिए, इसमें पूरी डिटेल में जानकारी नहीं दी है, जो कि हमने पहले वीडियो आपको दी थी ये वाली, इसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी थी कौन सी कंपनियां कितनी पोस्ट हैं, ये इसमें मेंशन नहीं किया गया, ठीक है? दोनों ही अगर हम आपको प्रॉस्पेक्टस दिखाएं तो इसमें भी देखिए कहीं मेंशन नहीं किया गया, बस इन्होंने आपको वेलकम कर दिया है, ठीक है? और इन्होंने लिंक जो दिया है उसमें आपको मैं दिखा देता हूँ क्या है उस फॉर्म में। तो उस फॉर्म में आपको देखिए क्या मिलेगा, सिर्फ सबसे पहले वेन्यू दिखाई देगा, तो यहाँ पे आपको पहुँचना है, ठीक है? ये पूरा एड्रेस दिया है, गूगल पे आप सर्च कर लीजिएगा।
उसके बाद देखिए डेट इसमें लिखी गई है 29 सितंबर, और कांटेक्ट पर्सन ये है आपका, मोबाइल नंबर ये है आपका, ईमेल एड्रेस ये आपका दिया गया, आप इस पे मैसेज कर सकते हैं। और लास्ट डेट ऑफ फिलिंग का जो है वो 20 सितंबर है, ये नोट कर लीजिएगा। 29 तारीख को आपका ये मेला लगेगा, लेकिन आपको 20 तक इसका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर देना है। तो आपके पास अभी 8 दिन का टाइम है, फटाफट से जाइए और इसका फॉर्म फिलअप कर दीजिए, आँख बंद करके फिलअप कर दीजिए। अगर आपने 10th पास हैं, 12th पास हैं, या आपने DCA किया हुआ है, PGDCA किया हुआ है, ADCA किया हुआ है, ठीक है, ITI कोपा किया हुआ है, ओ लेवल किया है, ए लेवल किया है, बी लेवल किया है, BCC किया है, CCC किया है, ECC किया है, CCC+ किया हुआ है, कोई सा भी सर्टिफिकेशन कोर्स आपने किया है, आप यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। चाहे आप 10th पास हो, चाहे 12th पास हो, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या अदर कोई भी आपके पास सर्टिफिकेशन हो, इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कोई भी इसमें एज लिमिट नहीं है, ठीक है, तो कोई भी पार्टिसिपेट करें। फ्री ऑफ कॉस्ट आपका रजिस्ट्रेशन है, आपको वहाँ जाना है, कंपनी में इंटरव्यू देना है, आपके जो भी आपका रिज्यूम है जितना अच्छे से अच्छा आप बनाएंगे, रिज्यूम के लिए चैनल पर जाइए, पॉपुलर वीडियोज़ पर क्लिक करिएगा, 2 वीडियो यहाँ पर बताई गई हैं, सिंपल सा फॉर्मेट है, आप इन दोनों वीडियोज़ को देख लीजिएगा, इन दोनों वीडियोज़ में आपको हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। एक 3D रिज्यूम भी मैंने बनाना बताया था, वो भी चैनल पर अवेलेबल है। नहीं अगर आपको मिलता है तो आप मैसेज कर दीजिएगा, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसको ऐड कर दूँगा, ठीक है। नीचे आ जाइए, आप सबसे पहले अपना नाम फिल कर दीजिए, यहाँ फुल नेम जो आपके हाई स्कूल की मार्कशीट में, मेल फीमेल जो अपना वो सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। फादर नेम फिल कर दीजिए, मोबाइल नंबर फिल कर दीजिए, ईमेल आईडी फिल कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए पूछा गया है हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, इसमें आपको क्या भरना है। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन वो भरी जाती है जो आपके डिग्री डिप्लोमा होता है, ना कि कोई सर्टिफिकेशन। जैसे कि मान लीजिए आपने ओ लेवल किया है, तो ओ लेवल आप खाली ओ लेवल तो किए नहीं होंगे, आपने हाई स्कूल भी किया होगा, 10th भी किया होगा, ग्रेजुएशन भी किया होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन भी मान लीजिए किया होगा, ठीक है। तो ये क्वालिफिकेशन आपको फिल करनी होती है। अगर इसके अलावा नहीं, अगर आपने कुछ मांगा गया तब आपको फिल करना है। तो जैसे आपने 10वीं पास है तो यहाँ पे 10वीं पास पर सेलेक्ट करिएगा, ITI पास है तो ITI पे क्लिक करिएगा, पॉलिटेक्निक किया है तो पॉलिटेक्निक पे क्लिक, जो लास्ट क्वालिफिकेशन है, ठीक है। और अगर आपने 12th किया तो 12th पे क्लिक करिएगा, ग्रेजुएशन पास है तो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन है तो पोस्ट, ऐसे आपको टिक करना है। OA लेवल यहाँ पे फिल नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि एक ही ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। तो 12वीं अगर आप पास हैं तो 12वीं पास पर क्लिक कर दीजिए, आपने BA BSc BCom किया तो ग्रेजुएट पर क्लिक कर दीजिए, आपने MA MCom या MTech BCA किया तो इस पर क्लिक, ऐसे आपको फिल करना है, ठीक है। क्योंकि बच्चे मैसेज करते हैं सर ओ लेवल फिल कर सकते हैं क्या, तो अदर का ऑप्शन दिया गया, यहाँ पे आप ओ लेवल ही फिल कर सकते हैं, ए लेवल ही फिल कर सकते हैं, लेकिन वो आपकी लास्ट क्वालिफिकेशन नहीं कहलाएगी, वो आपका एक सर्टिफिकेशन कोर्स है, ठीक है। आपकी मेन क्वालिफिकेशन यही आपकी काउंट होगी। एड्रेस यहाँ फिल कर दीजिएगा, स्टेट फिल कर दीजिएगा, नॉलेट कोर्स का टाइप, नॉलेट का जो आपने कोर्स किया है वो शॉर्ट टर्म कोर्स किया है, यानी कि शॉर्ट टर्म कोर्स में आपका CCC BCC ECC ये सारे कोर्स आ जाएंगे, और तमाम कोर्स भी हैं। लॉन्ग टर्म में आप अपना ओ लेवल, ए लेवल, बी लेवल या अदर जो कोर्स है वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो जो भी कोर्स आपने किया वो टिक कर दीजिएगा। मेंशन नेम ऑफ द कोर्स जो आपने कंप्लीट किया, जैसे अब यहाँ पे आपको लिखना है, अब यहाँ पे आप जो ओ लेवल लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने DCA किया तो आपने DCA लिख दिया, कॉमा करके आपने CCC किया CCC भी लिख दिया, ठीक है। ITI कोपा किया तो यहाँ पे आप जो कोपा लिख सकते हैं, इस प्रकार से कोपा भी लिख सकते हैं। जो जो आपने किया वो सब कॉमा करके लिख दीजिए। यहाँ पे ओ लेवल किया तो ओ लेवल लिख दीजिए, बी लेवल किया तो ऐसे आप सब कॉमा लगा के लिख दीजिएगा, ठीक है। और कब पास किया है वो भी लिख दीजिए आपने, ठीक है, या कोई एक लिख दीजिएगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। अगर आपने ज़्यादा किए हैं तो आप कॉमा करके लिख दीजिएगा, एक किया तो आप, और जो लास्ट आपका हो, जैसे कि ओ लेवल का, जैसे कि नॉलेट का अगर कोई कोर्स हो तो उसका ईयर लिखिए, क्योंकि ईयर यहाँ पे आप एक ही डाल पाएंगे, ज़्यादा आप इसमें ईयर जो है फिल नहीं कर पाएंगे, ऐसे मिक्स हो जाएगा, ठीक है, इसलिए एक ही फिल करें ज़्यादा बेस्ट है। जैसे आपने ओ लेवल किया तो ओ लेवल लिख के और यहाँ पर लिख दीजिए 2023 में आपने पास किया, ऐसे, ठीक है, ज़्यादा मत फिल करिए। आप लेके जा सकते हैं लेकिन ज़्यादा करेंगे तो यहाँ पे सही नहीं रहेगा डेटा को, फॉर्म को सबमिट करने में। और यहाँ पे देखिए और पूछा गया टेक्निकल स्किल, यहाँ पे अब आपको कॉमा लगाना है। जैसे कि आपको MS ऑफिस आता है तो लिख दीजिएगा MS ऑफिस, हाँ तो आपको आता है, कॉमा लिख दीजिएगा। पाइथन आपको आता है लिख दीजिएगा पाइथन, HTML आपको आता है, CSS आता है, ऐसे आप लिखते चले जाइएगा, ठीक है। और भी आपको जो आता है, वेब डिजाइनिंग है, PHP है, पाइथन है, या कोई भी लैंग्वेज आपने सीख रखी है पहले से, फोटोशॉप है, ठीक है, एडोब प्रीमियर है, आपका कोरल ड्रॉ है, कुछ भी आप जो है DDP जिसको बोलते हैं, तो वो सब आप यहाँ पे कॉमा लगा के जितना चाहे उतना भर सकते हैं। अगर आप इस समय जॉब कर रहे हैं तो लिखिए यस, नहीं तो नो पे क्लिक कर दीजिए, डिक्लेरेशन पे टिक करिएगा, ठीक है।
अब आपको देखिए क्या क्या लेके जाना है, वो भी इसमें मेंशन किया गया, हम आपको दिखा देते हैं ढूंढ करके, नोट कर लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, पहला पॉइंट, कैंडिडेट आर स्ट्रिक्टली एडवाइज टू अटेंड जॉब फेयर इन अ फॉर्मल, ठीक है, फॉर्मल ड्रेस में आपको जाना है। इस पे जरूर ध्यान रखिएगा, आप जीन्स हाफ टी शर्ट ऐसे मत जाएगा, प्रभाव पड़ता है क्योंकि कंपनीज आपकी एमएनसीज कंपनीज होती हैं, कोई गली कूचे वाली कंपनी नहीं होती है, अच्छे ऑफिस में आपको काम मिलता है, तो उस कारण से आप इसी प्रकार से फॉर्मल ड्रेस में पैंट शर्ट में जाएँ ज़्यादा बेस्ट रहता है, या फिर ट्राउज़र या उसमें भी आप जा सकते हैं। ठीक है, नंबर टू है, इट इज़ मैंडेटरी टू ब्रिंग एटलीस्ट 5 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, तो 5 फ़ोटो ले जाएगा, मैं तो कहूँगा आप कम से कम 10 फ़ोटो लेके जाइए। ठीक है, और 5 रिज्यूम, आप 10 रिज्यूमे बना के ले जाइए, क्योंकि अगर मान लीजिए 10 कंपनी हुई तो आप हर एक कंपनी में रिज्यूम अपना सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, फर्दर फ्यूचर के लिए हेल्प करेगा। गवर्नमेंट आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड ये सारे लेके जाइएगा, सबकी 10-10 कॉपी करा लीजिए। ऑल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट एंड वर्क एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो वो भी ले जाइए। करंट एम्प्लॉयर ऑफर लेटर, अगर आपको कहीं आप कहीं काम कर रहे हैं तो वहाँ का ऑफर लेटर भी आप ले जा सकते हैं अगर आपको मिला होगा तो। लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप अगर आपके पास है, आप कहीं काम कर रहे थे तो वो भी आप लगा दीजिए। ठीक है, प्लीज़ ब्रिंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विद 5 सेट ऑफ फोटोकॉपी, तो देखिए यहाँ पे जो भी आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसकी 5 सेट कॉपी आपको बनानी है, तो हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, आपका आधार कार्ड, आपका जॉब एक्सपीरियंस, ये सब की 5-5 में, 5-5 बोली गई, आप 10-10 बना के ले जाइए, क्योंकि ज़्यादा कंपनीज होंगी तो हो सकता है आपको ज़्यादा अप्लाई करना पड़ सकता है, तो 10-10 बना लीजिएगा, आपके फ्यूचर में काम आएगा। कैंडिडेट आर एडवाइज टू मेंटेन द डेकोरम ड्यूरिंग द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, ठीक है, मेंटेन करना है आपको सारा, ये सब लिखा गया है। नंबर 4 में है, कैंडिडेट हैव टू अटेंड जॉब फेयर एट योर ओन कॉस्ट, ये आपको अपने कॉस्ट पे अटेंड करना है, अपने साधन से आना है, आपको नायलट की तरफ से कोई भी फीस नहीं दी जाएगी, रिफंड नहीं किया जाएगा कि आपको घर जाने की सुविधा मिले, ऐसा कुछ नहीं है। कैंडिडेट हैव टू मेक देयर ओन बोर्डिंग एंड लोडिंग अरेंजमेंट, ठीक है, आपको सब आपका ही अरेंजमेंट होना है यहाँ पे। पार्टिसिपेशन इन द जॉब फेयर डज नॉट गारंटीड प्लेसमेंट टू द कैंडिडेट, देखिए इसमें देखिए गारंटी नहीं ली जा रही है कि सिलेक्टेड ऑफ द कैंडिडेट स्लोली डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ एम्प्लॉयर एंड सुटेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट, इसमें देखिए इन्होंने ये भी लिख दिया है, आपको जॉब में मान लीजिए सेलेक्ट किया जाता है तो उसकी गारंटी नहीं है कि आपको प्लेसमेंट आपको दे भी दिया जाए, क्योंकि हो सकता है रिक्वायरमेंट या स्टेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट आप सुटेबल ना हो जॉब के लिए या फुलफ़िल ना करें रिक्वायरमेंट के लिए, तो ये सब देख के हो सकता है कि बाद में आपको मेल ना आए, क्योंकि आप मैसेज करें कि सर हमारे पास मेल नहीं आया, हमने फॉर्म सबमिट किया था, हमारा इंटरव्यू हो गया था, ये सारी चीज़ें। इट इज़ मैंडेटरी टू ब्रिंग नाइलेट कोर्स कंप्लीटेंस सर्टिफिकेशन, नाइलेट का जो भी कोर्स आपने किया है वो आपको लेके जाना है अपने साथ, ये मैंडेटरी है यहाँ पे। ठीक है, कोई सा भी कोर्स अगर नहीं किया है तो दिक्कत हो सकती है, लेकिन ले लिया जाएगा ऐसी बात नहीं, लेकिन लेके जरूर जाएं। ट्रिपल सी किया है तो ट्रिपल सी ही लेके जाएं, वो लेबल नहीं किया कोई दिक्कत नहीं। नंबर 8 है, नो फैसिलिटी फॉर फोटोकॉपी और प्रिंट आउट विल बी अवेलेबल ऑफ वेन्यू, कैंडिडेट आर एडवाइज टू ब्रिंग दी ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट फोटो कॉपी, देखिए यहाँ पर देखिए मेंशन कर दिया गया, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे आते हैं जो किन्हीं का कोई फोटोकॉपी छूट जाती है, किन्हीं का कोई प्रिंट आउट छूट जाता है, तो क्या करते हैं जो वहाँ पे इंटरव्यू ले रहे होते हैं उनके पास प्रिंटर होते हैं लेकिन वो उनके काम के लिए होते हैं, आप वहाँ पे जाके उनको फोटोकॉपी के लिए फोर्स ना करें, वो अच्छी चीज़ नहीं है, इसीलिए मैं आपको पहले से बोल रहा हूँ 10-10 कॉपी सभी की लेके जाएं और चेक कर लीजिए 10 बार कि यहाँ आपने सभी कॉपी कर ली, कोई डॉक्यूमेंट छूटा नहीं है, क्योंकि वहाँ पर ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना, फॉर्म आपका जो है फिल हो जाएगा। तो ये है आपका पूरा फॉर्म, सिंपल सा, ठीक है, मैंने आपको बता दिया। अब वहाँ पे देखिए क्वेश्चन और किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं, हर प्रकार की कंपनीज़ वहाँ पे आपको आती हैं। ठीक है, आईटी से संबंधित कंपनी होती है, फाइनेंस कंपनीज़ होती हैं, फील्ड वर्क वाली होती हैं, नेटवर्किंग से होती हैं, हार्डवेयर से होती हैं, ठीक है, बहुत सारी कंपनीज़ होती हैं, बैंक से होती हैं। तो सिंपल सा है, आपको बेसिकली जो काम होता है किसी भी कंपनीज़ में वो कंप्यूटर पे ही होता है। ठीक है, बेसिक डेटा एंट्रीज का ही काम होता है, बहुत हाई लेवल की एंड लेवल की प्रोग्रामिंग आपसे नहीं कराई जाती है, तो बेसिक से जो सॉफ्टवेयर हैं जैसे कि एमएस ऑफिस आपको आना चाहिए, ठीक है, एमएस ऑफिस आना चाहिए, एचटीएमएल आना चाहिए, ठीक है, सीएसएस आना चाहिए आपको, जावास्क्रिप्ट आना चाहिए, ठीक है, पाइथन आपको आना चाहिए अगर आप प्रोग्रामिंग के उसमें जा रहे हैं, ए लेवल किया तो इसमें आपका C++ आपको आना चाहिए, DBMS आना चाहिए, ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, DBMS, ठीक है, और बेसिकली नहीं है, यही सब सॉफ्टवेयर हैं, PHP हो गया आपका, ठीक है, PHP हो गया,
एम वाई एस क्यू एल हो गया, ठीक है, डेटाबेस के लिए आपका, और कुछ नहीं है बेसिकली, इतना ही है इंपॉर्टेंट, इंटरनेट हो गया। हाँ, आईओटी का ज़्यादा इंटरव्यू नहीं होते हैं, अधिकतर जो है M1 M2 M3 से ही आपको जो है जॉब करने को मिलती है वहाँ पे, ठीक है, इसी प्रकार की जॉब आती है। बाकी एक्सेल पे आपका काम है, ठीक है, अकाउंटिंग का हो सकता है काम, या आपको बैनर डिज़ाइन, लोगो डिज़ाइन, पैम्पलेट डिज़ाइन, तो इसके लिए फ़ोटोशॉप, कोरल, ये सब का काम आपको मिल सकता है। कंटेंट राइटिंग का काम है। तो बेसिक से आपसे जो इंटरव्यू में क्वेश्चन होते हैं वो आपसे पर्सनल रिलेटेड होते हैं कि आपने काम किया क्या, आपका एक्सपीरियंस क्या, आपको ये काम आता है कि नहीं। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा आपने ओ लेवल किया है तो उसमें कौन सा मॉड्यूल पढ़ा था, उसका बताइए, फुल फॉर्म बताइए, ये सारी चीज़ें इनमें नहीं पूछी जाती। यहाँ पे आपका जो स्किल लेवल जाना जाता है कि आपने जो कोर्स किया है उसमें से आपने प्रैक्टिकल वाला जो पार्ट है वो कितने सच्चे कितना अच्छा सीखा है, आपने जो सॉफ्टवेयर आपने सीखा है वो कितना अच्छे सीखा है, ठीक है। तो इस पर आपको फोकस करना है, रिज्यूम बना के जाना है अच्छे से, और यहाँ पर जाके आपको पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, 29 सितंबर को है आपका, एड्रेस मैंने बता दिया है, और इसका लिंक जो है ये अवेलेबल है, यहाँ से आप नोट कर लीजिए, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हम इसका लिंक दे देंगे, आप इसलिए इसको अप्लाई कर पाएंगे, ये इसका फॉर्म पूरा लिंक है, ठीक है। तो आशा करते हैं अब आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अभी भी कोई डाउट रह गई है तो आप 7007659484 पर भी व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। बाकी इसमें हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, आप इन सब पे भी कॉन्टेक्ट करके जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। तो जाइए, मैं तो कहूँगा आप बिल्कुल जाइए, जितनी बार हमारे पास जॉब फेयर आएगा हम आपको भेजेंगे वहाँ पे, बिल्कुल जाइए, भले कुछ ना हो, खाने पीने को मिलेगा, एक्सपीरियंस मिलेगा, इंटरव्यू दीजिए, मन बना के जाइए कि हमको जॉब लेनी है, ठीक है। चाहे भले ही स्टार्टिंग देखिए, मिनिमम यहाँ से 12,000 से स्टार्टिंग आपकी लगभग हो जाती है, और 25 से 30 तक की जॉब आपको इजीली मिल ही जाती है, ठीक है। अगर दिल्ली वगैरह में होगी तो अच्छी खासी आपको 20 से 25 तक मिल जाएगी, डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन और आपके स्किल नॉलेज पे। अगर आपने पहले से कहीं काम कर रहे होंगे तो हो सकता है 25 से 35 तक, 40 तक भी आपकी सैलरी हो सकती है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।